सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था लड़का सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूँ कि आप इस तरीके का स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। और ये जो सॉन्ग है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है। और अगर आप इस तरीके का स्टेटस वीडियो बना के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप अपलोड करते हैं ना, तो आपका वीडियो ज़रूर वायरल हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी तरीके का स्टेटस क्रिएट करने सिखाऊंगा। तो इस तरीके का स्टेटस वीडियो बनाने से पहले आपको करना क्या होगा, अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना होगा और आपको 9.16 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपने जिस वीडियो को डाउनलोड किया था उस वीडियो को इनपुट करना होगा। तो ये हमारा वीडियो आ चुका है स्क्रीन पर, अभी आप देख पा रहे होंगे। तो आपको इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ इस जगह पर आना होगा, सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है, एडिटिंग में क्लिक करना होगा और आपको इसे कर लेना है फिल स्क्रीन, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद आपको मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको अपना 6 फोटो को इनपुट कर लेना है जिस इमेज का आप स्टेटस बनाना चाहते हैं। सो गाइस, मैं अपने 6 फोटो को इनपुट कर लेता हूं, तो आपको भी कर लेना है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने अपने 6 फोटो को इनपुट कर लिया। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है, आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एडजस्टमेंट का, आपको उस ऑप्शन में क्लिक करना है और आपको अपने इमेज के कलर को आपको एडजस्टमेंट कर लेना कुछ इस तरीके से। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, मैं कुछ इतना कर लेता हूं। फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है, फिर आपको दूसरे इमेज पर क्लिक करना है, उसी ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा और आपको इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लेना होगा। तो गाइस, आपको अपने सभी इमेज पर अपने कलर को एडजस्टमेंट कर लेना है, तो आप कर लीजिए, हम भी कर लेते हैं। तो देख लीजिए गाइस, हमने अपने सभी इमेज पर अपने कलर को एडजस्टमेंट कर लिया। और तो गाइस, अब आपको क्या करना होगा, आपको अपने सभी इमेज पर क्लिप ग्राफिक्स ऐड करना होगा। सो गाइस, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना होगा, आपको क्लिप ग्राफिक्स को ऑप्शन में क्लिक कर लेना है और गाइस, आपको इस ग्राफिक्स को डाउनलोड करना होगा कॉल मी डीजे। अगर आप इसे गेट मोर को ऑप्शन पर जाकर ढूंढेंगे तो आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। तो इस इफेक्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको मेरे इस वीडियो को देखना होगा, तभी ये इफेक्ट को डाउनलोड करने का टिप्स आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो के एंड होने के बाद आप मेरे इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आप डाउनलोड इजी तरीके से कर लीजिएगा। तो गाइस, इसके बाद आपको क्या करना होगा, जब आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको कॉल मी डीजे आपको फर्स्ट वाले पर आपको क्लिक कर लेना कुछ इस तरीके से। फिर गाइस, आपको दूसरे इमेज पर क्लिक करना होगा, क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है और आपको कॉल मी डीजे पर आपको क्लिक करना होगा इस ग्राफिक्स में, फिर आपको फर्स्ट वाला पर आपको क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको इसी तरीके से सभी इमेज पर कॉल मी डीजे का आपको फर्स्ट वाला क्लिप ग्राफिक्स आपको ऐड कर लेना है। तो हम कर लेते हैं, आप भी कर लीजिए। तो देख लीजिए गाइस, हमने अपने सभी इमेज पर क्लिप ग्राफिक्स ऐड कर लिया। और इसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना होगा, आपको स्टार्टिंग में आना होगा, लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको अपना सॉन्ग को इनपुट कर लेना है। तो गाइस, हमारा सॉन्ग आ चुका है, अभी आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्टमेंट कर लेना कुछ इस तरीके से, टिक पर क्लिक करना होगा, आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, तो आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और आपको इसे कर देना स्क्रीन। तो स्क्रीन हो चुका है, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना कुछ इस तरीके से। और इसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपने वीडियो कॉल का जूम कर लीजिएगा और आपको अपने सभी इमेज को आपको छोटा, इसके लेंथ को जो गाइस आपको छोटा कर लेना कुछ इस तरीके से। तो आपको अपने सभी इमेज के लेंथ को आपको छोटा कर लेना है अपने हिसाब से। तो जैसे गाइस, मैं इतना छोटा कर लेता हूं, तो आपको भी कर लेना होगा। तो आपको इस तरीके से आपको कर लेना है, तो आप कर लीजिएगा। आपको अपने सॉन्ग के हिसाब से आपको छोटा कर लेना सभी इमेज के लेंथ को। तो हम इतना कर लेते हैं, तो देख लीजिए गाइस, हमने इतना कर लिया, तो आपको भी कर लेना होगा अपने हिसाब से। तो हमने अपने सभी इमेज के लेंथ को छोटा कर लिया और हमारा जो स्टेटस है वो बनके तैयार हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग में आना होगा, लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा, एक आपको वीडियो इफेक्ट को इनपुट कर लेना है। सो गाइस, हम उसे इनपुट कर लेते हैं। तो ये हमारा वीडियो इफेक्ट आ चुका है। सबसे पहले आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्टमेंट कर लेना है, स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, टिक पर क्लिक करना होगा, ब्लेंडिंग का ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा और आपको
कर देना स्क्रीन। तो स्क्रीन हो चुका है, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है और इसका जो पीछे का फालतू पार्ट आपको कट कर लेना कुछ इस तरीके से। तो आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर लेना कुछ इस तरीके से। फिर गाइस आपको स्टार्टिंग में आना है, लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको अपना फ्रेम पीएनजी को इनपुट कर लेना है। सो गाइस मुझसे भी ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रेम पीएनजी स्क्रीन पर आ चुका है, आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्टमेंट करना है और इसका लेंथ को आपको वीडियो के एंड तक रख लेना है। तो फाइनली हमारा स्टेटस बनके तैयार हो चुका है, तो इसे मैं अभी एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो स्टेटस वो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारा जो स्टेटस है वो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। तो आप भी अपना खुद का इस तरीके का स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। तो आई होप आज का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ यार बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मैं अपने चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। और हाँ यार इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, अपने वीडियो को सेव करने के लिए आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना होगा और आपको अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना जिस क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सो गाइस आपको इस ऑप्शन में क्लिक कर देना, आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।